नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ये जो जयपुर का मामला आया है विधायक रफीक खान का। कांग्रेस के विधायक हैं रफीक खान, और कल सुबह जब वो घर से निकल रहे थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ, ये FIR है। और रफीक खान ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर जब वो लोगों से मिल रहे थे और बाहर निकल कर विधानसभा की तरफ जा रहे थे तो युवक आया, एक व्यक्ति आया और उसने हमला कर दिया। और विधायक का ये भी कहना है कि यह हमला राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है, चूंकि झुंझुनू में उपचुनाव होना है तो हमलावर को इसका मतलब विधायक जानते थे। बात यहीं से है, यही बात समझने लायक है कि ये जो हमला है इसमें अब जो नया एंगल है वो ये आ गया है कि विधायक युवक को पहले से, इस व्यक्ति को पहले से जानते थे, और अब व्यक्ति की जो पहचान है वो विकास जाखड़ के रूप में हुई है। विकास जाखड़ CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में डिप्टी कमांडेंट रह चुके हैं और शौर्य चक्र से सम्मानित हो चुके हैं। राष्ट्रपति ने उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया हुआ है। आप हम सब सोच सकते हैं कि कोई ऐरागर आदमी नहीं है, कोई सिर्फ आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा है, डिप्टी कमांडेंट है, झुंझुनू का रहने वाला, ये बात सच है। लेकिन इस पूरे किस्से में, इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी इंसिडेंट्स में और इस वारदात में जो खास एंगल है अब वो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। अब पॉलिटिकल एंगल आ गया है इसमें। इसमें चूंकि जाट एंगल छुपा हुआ है, विकास जाखड़ जाति से जाट है और विधायक के यहां जो कुछ भी हुआ, अब जाटों में बहुत जबरदस्त आक्रोश है और जाटों ने अब इसको एक तरह से अपना सम्मान बताया है कि हमारा CRPF का जवान, शौर्य चक्र से सम्मानित हमारा व्यक्ति विधायक से मिलने गया, और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ये मामला अस्मत से जुड़ गया है, अब ये मामला जाटों में आक्रोश का मामला बन गया है और ये आक्रोश जो है वो कांग्रेस में खलबली पैदा कर रहा है। तो विधायक रफीक खान के इस पूरे पिटाई मामले में अब जाट एंगल आने से कांग्रेस में खलबली है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जाट है और उन्होंने विधायक रफीक खान के पक्ष में बयान दिया और उन्होंने कहा कि विधायक की सुरक्षा जब सुनिश्चित नहीं है तो बीजेपी का राज क्या। वो असल में बीजेपी की सरकार के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो बयान दिए हैं उससे भी जाट समाज आक्रोशित है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने जाट समाज को एकत्रित किया और कांग्रेस की तरफ आकर्षित किया, अब जाट समाज में खासतौर पर जिस इलाके से गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं उसी इलाके से विकास जाखड़ आते हैं। विकास जाखड़ झुंझुनू से हैं और गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से हैं। ये शेखावटी का इलाका है और वेस्टर्न राजस्थान, मारवाड़ जिसको कहते हैं, मारवाड़ और शेखावटी मिलकर जाटों की बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है। तो यहाँ पर अब माहौल ये है कि इस मामले में जिस तरह से साथ कांग्रेस रफीक खान का दे रही है और शौर्य चक्र से सम्मानित विकास जाखड़ का साथ नहीं दिया जा रहा बल्कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा करा दिया गया है, ये किस तरह का न्याय है। अब सोशल मीडिया पर और भी कई तरह की बातें चल रही हैं जिसमें हम और आएंगे अभी डिटेल में, लेकिन सबसे जो गंभीर बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि विकास जाखड़ के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक रफीक खान ने यह कहा कि ये मेरे पास आता था और ये किसी अधिकारी की शिकायत करता था कि वो इसकी पत्नी से कोई बदसलूकी करता है। इस तरह की बात विधायक रफीक खान ने मीडिया से बातचीत करने में दी है। और ये यदि हम बातचीत देखें तो अखबार के एक इंटरव्यू में भी ये बात रफीक खान ने कही है कि पहले इस तरह की शिकायत ये व्यक्ति कर रहा था। लेकिन विधायक रफीक खान ने एक और बात कही कि इस व्यक्ति ने मुझे केवल एक ही लाइन कही कि दूसरों को यूज क्यों करते हो। यह है एंगल, यह है सोचने लायक बात। और यहां वर्बेटम जो रफीक खान ने कहा है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं।
हमला करने वाले ने थाने में यह जरूर कहा है कि कोई अधिकारी इसकी पत्नी को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन यह सब बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि इस कदर परेशान आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ नहीं आता पीछे से, वो अपनी तकलीफ बताता। तो ये बात रफीक खान ने कहा कि मैं तो इसे जानता भी नहीं, नहीं इसकी पत्नी को, जिसका नाम ये थाने में ले रहा है, नहीं ये दोनों किसी काम के लिए मेरे पास पहले कभी आए। हमला करने वाले ने थाने में ये जरूर कहा है, जबकि विकास जाखड़ का ये कहना है कि वो विधायक के पास गया था। और इसकी विकास जाखड़ जो डिप्टी कमांडेंट हैं, शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, इन्होंने ये कहा कि इनकी पत्नी नर्सिंग उसमें काम करती हैं, हॉस्पिटल में, मतलब नर्स हैं, तो इनकी पत्नी को तंग किया जा रहा है, अधिकारी लोग तंग कर रहे हैं। अब ऐसे में विकास जाखड़ ने विधायक को क्या कहा कि दूसरों का यूज क्यों कर रहे हो, यह है कहानी। अब सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं, पुलिस भी जांच कर रही है इसमें। पुलिस ने हालांकि विकास जाखड़ को धारा 177 के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो शांति भंग टाइप की धारा है। आगे जांच क्या होगी, आज विधायक के पक्ष में कांग्रेस के नेता पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिले हैं। इधर विकास जाखड़ के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, क्योंकि वो शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका एक स्टेटस है, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, तो अब इसमें ये बात राष्ट्रपति तक भी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कायदा है कि राष्ट्रपति से सम्मानित व्यक्ति कोई भी हो जाता है, बल्कि सेनाओं से जुड़ा हुआ मामला, पैरामिलिट्री फोर्सेज से जुड़ा हुआ मामला, उसके चूंकि हेड राष्ट्रपति हैं, तो ये मामला तो ऊपर तक जाएगा। और अब विधायक जी की बात सामने आएगी कि विधायक जी असल में क्या कहना चाह रहे हैं। तो रफीक खान पिटाई के बाद वैसे तो फंस चुके हैं, पॉलिटिकली भी फंस चुके हैं, और चूंकि अब हिंदू मुसलमान का चक्कर है वो तो कम चक्कर है, ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यही कोई विधायक ब्राह्मण या राजपूत होता तो जाट समाज आंदोलनजीवी के तौर पर सामने आ जाता और चक्का जाम हो जाता, और विकास जाखड़ के पक्ष में जगह जगह प्रदर्शन होते और फूंक दिए जाते कई वाहन, तोड़फोड़ की जाती। लेकिन अब चूंकि ये रफीक खान हैं तो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी चल रही हैं। और यदि हम इन्हीं के कुछ लोगों के पोस्ट देखते हैं तो पोस्ट बड़ी गंभीरता पैदा करती है वातावरण में। हालांकि हम वर्बेटम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। द जाट एसोसिएशन नाम का एक्स हैंडल है, ये भी काफ़ी चर्चा में है, और ये इस हैंडल पर लिखा है कि राजस्थान में सेना के जवान विकास जाखड़ को की पिटाई करने वाला विधायक मुसलमान है, इसलिए सब शांत रहा। अगर राजपूत या ब्राह्मण होता तो जाट समाज के तथाकथित ठेकेदार राजस्थान को जाम करते थे। ये जाट एसोसिएशन नाम का एक सैंडल है। अब ये वाकई कोई एसोसिएशन है या क्या है ये तो अलग बात है, लेकिन ये काफी इस वक्त चल रहा है, ट्रेंड में है। तो देखने वाली बात ये है कि इस पूरे के पूरे मामले में दो एंगल सामने आए हैं। एक तो ये कि विधायक रफीक खान की पिटाई मामले में जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है, राष्ट्रपति से सम्मानित है, और दूसरा एंगल यह आया है कि पत्नी जो इनकी नर्सिंग स्टाफ में है उनका कोई मसला है। अब इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन क्या किस तरह का होगा, क्या बात सामने आएगी, क्यों ये व्यक्ति इतना आक्रोशित हुआ कि इनको जाकर शौर्य चक्र विजेता को जाकर विधायक को इस तरह से, मतलब वो मैन हैंडलिंग तो हुई है, अब शुरुआत किधर से हुई है, क्या हुआ, ये तो जांच का विषय है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन ये मामला बड़ा चर्चा में है, और चूंकि ये मामला जाटों से जुड़ा हुआ है, इधर मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस के लिए दोनों वोट बैंक साधने की बड़ी एक इस वक्त बड़ी कठिन परीक्षा का दौर चल रहा है। खलबली है संगठन में, और संगठन के नेता भी आपस में कई तरह की बातें कर रहे हैं, और कई नेता ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि जाटों ने जिस तरह से कांग्रेस का साथ दिया अब आप देखिए किस तरह का काम हो रहा है जाटों के साथ। तो ये इस तरह की चर्चा चल रही है। पॉलिटिकली बहुत ही गर्मा गर्म माहौल है राजस्थान का। तो ये था संक्षिप्त कार्यक्रम, आपने हमें ज्वाइन किया इसके लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।